हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। सब भाई खैरियत से होंगे। पहले पहले आप शेरू भाई जो शाहनवाज के उस्ताद भी थे और बहुत अच्छे क्लोज़र दोस्त भी थे, भाइयों बड़े भाइयों की तरह थे, जो शाहनवाज के मेन उस्ताद थे, उनकी बात सुनो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सारे भाइयों को, ठीक हो गए भाई? गल है ये जरा साडा तलक सी ना, शुरू स्टार्ट जरा साडा होया सी जादी जानी भाई, ठीक हो गया। असी समझ लो कि ना शानवा दा तलक जरा होया सी किसे नाल एडा नहीं गा सी, सिर्फ जानी नाल होया सी, ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम असी जदों गए जानी भाई को गए लाहौरों बाहर, ठीक हो गया। तो गल है ये तो जरा हंडर बंदा है ना, बंदा जरा है दो नंबर है, ठीक है। ए समझ लो कि जो शाहनवाज मारिया ही है, सब तो पहले शाहनवाज का मोबाइल जरा सी हंडर ने लुकाता है, तो नहीं मान रहा सी कि मोबाइल मेरे को ले। ते उस तो बाद उस ओदे दोस्त ने सानू कहा कि मोबाइल शाहनवाज का एदे को लेगा, फिर उन्हें कहा हाँ मेरे को ले। कुछ ऐसी चीज़ें आई ने उन्हें लुकाइया ने, वह चीज़ सानू नहीं मिली ने, ठीक है। सिर्फ शाहनवाज का फायदा चुक रहा सी हंडर, ठीक हो गया। दूसरी गल हंडर बंदा जरा है ना साढ़े छियाली ग्रुप के बच्चे है ही नहीं, साढ़े छियाली ग्रुप में मेन बंदा जरा है ना जानी भाई के, समझ गए गल है। लेकिन थोड़ी मेहरबानी जेहे ए दोस्त है जेहे भी है तो कोई ऐसी वीडियो जानी के खिलाफ कोई ना बनावे, सारे मैं यही कहोंगा तुम पढ़ाए गए कोई ऐसे ना, साडा मसला है जानी और की कहते हैं हसन हंडर के नाल, ठीक हो गया। असी वो कर रहे हैं मिल रहे हैं, ठीक है। तो दूसरी गल कोई ऐसी वीडियो ना बनाओ, तो साडा तलक ए नहीं गा, सिर्फ एक जरा है ना हसन हंडर शाहनवाज का फायदा चुक रहा है, ठीक हो गया। साढ़े कोई समझ लिया कि मुसीबत टाइम या कोई ऐसा टाइम साढ़े काम नहीं आया, सिर्फ ए मतलब कटिया कि मैं फेमस होव, ठीक हो गया। फेमस होने कर रहा है जानी भाई, अगर जे साडा वो तलक ना भी आता ना वो तो पहले का ही फेमस सी, ठीक हो गया। उन्हें की साडा फायदा चुकना सी, वह आप फेमस है, असी मतलब कटिया जानी भाई, ठीक हो गया। असी समझ लो कि सब तो पहले फर्स्ट टाइम शान वास्ते मैं गए सी जानी को, सानू इन्हें सपोर्ट की अपने इलाके गेम करवाई है, इज्जत दी है, समझ लो कि ना सानू फेमस करने वाला यही जानी भाई है। दूसरी गल कोई हंडर की गल्ला च ना हो, तुसी जिन्या भी गल्ला कर रहे झूठ है। समझ लो कि शाहनवाज जिहड़ा है ना मेरे नाल होंदा सी रात दिन, मैं उन्हें समझ लो कि मेरे तो बगैर और किसी नाल उस टाइम फर्स्ट टाइम नहीं गया सी। दूसरी गल मैं जानता वहां साढ़े जानी भाई के किस तरह तलक है, हर मुसीबत हर जगह से साढ़े कम आया, जनाजे से नहीं आ सके, फोन किया, कुछ मसला आया सी एदा समझ लो कि अपने इलाके च कोई लड़ाई हुई सी, बहुत वड्डा मसला पिया सी, उस टाइम उसका फोन आया सी क्या कोई गल नहीं जानी भाई। गल है ये जो भी आंदा अफसोस कर कब्रस्तान पहुंच जाता है, लेकिन हंडर मैं कसम खावगा एक जगह से साडा काम नहीं आया, सिर्फ की मतलब कर रहे हैं फायदा चुक रहे सी साडा, यह गल है। और सारे मैं यही कहवागा कि थोड़ी मेहरबानी भाई कोई हंडर की गल्ला च ना हो, बस सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो आपने शेरू भाई की बात सुन ली होगी, तो कुछ भाइयों को पता है, कुछ को नहीं पता है, कुछ ऐसे बंदे हैं तो जिन्होंने शाहनवाज को सही तरीके से यूज़ किया है फेमस होने के लिए, जिनका खुद का एक लाइक भी नहीं है, शाहनवाज को इस्तेमाल करके लाइक कमा रहे थे। फिर हमने यूसुफ भाई ने शाहनवाज के भाई हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमने वीडियो बनाई है, ठीक है। वो बंदा बोल रहा है मैं जनाजे में आया था, जनाजे में आया है, वीडियो बना के चला गया, उसने जनाजा नहीं पढ़ा। तो उसके अलावा वो वीडियो लगा रहा है जानी हमें बदनाम कर रहा है, जानी ने खुद शाहनवाज से फेम हासिल की है। भाई मैं खुद नहीं बोला, शेरू भाई बोल रहे हैं शाहनवाज के उस्ताद, वो बता रहे हैं कि क्या हिसाब किताब है। आप खुद सब भाइयों ने समझ लिया है, सुन भी लिया आप सब भाइयों ने, तो बाकी से पता चल जाता है कि कौन फेमस है, कौन किसे फेम हासिल कर रहा है, कौन बाकी पूरी बाकी ये बोल रहे हैं कि जानी फेम हासिल कर रहा था। भाई ये आपकी घटिया सोच है, तो मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये देखो। चलो भाई मान लिया फेमस है, अल्लाह पाक उसको ऐसा तोड़ दे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब शाहनवाज जिंदा था वक्त क्यों नहीं उसने उस शाहनवाज को अपने व्लॉग में लिया? ये व्लॉग की बात कर रहा है कि शाहनवाज जब जिंदा था जान ने उसको व्लॉग में क्यों नहीं लिया। शाहनवाज लाहौर रहता है, मैं रहीम यार खान रहता हूँ, सब भाइयों को पता है एक दिन का रास्ता है हमारा। जब भी वो मेरे पास आता था मैं व्लॉग बनाता था, ठीक है। तो वो उसके बाद बोल रहा है जब शाहनवाज की डेथ हुई जानी ने सब व्लॉग शाहनवाज ने बनाए, क्यों बनाए
सब भाइयों की खातिर बनाया, मैंने डेली व्लॉग बनाना था, ठीक है। और ये ना समझो कि मैंने यूट्यूब चैनल उस दिन बनाया था, मेरा यूट्यूब चैनल उससे कई मंथ पहले का बना हुआ है और मैं डेली व्लॉगिंग करता था, वीडियो मेरी व्लॉग की आती थी, सही है। तो शानवाल की अब डेथ हो गई तो मैं ओवर व्लॉगिंग करता तो लोग बातें करते, यार देख दोस्त की डेथ हो गई है तो ये अपनी व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो मुझसे भाई पूछते थे डेली, मैं उनको व्लॉग में बताता था कि ये सीन हुआ, ये चक्कर हुआ, या ऐसे हुआ वैसे हुआ, ठीक है। और ये लोग बोल रहे हैं शानवाल की ये व्लॉग लगाता रहे, फेम हासिल करता रहे, भाई हमें इस फेम की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बंदे का अकाउंट है, ये जो बातें कर रहे हैं ना मिस्टर वलीद के नाम पर अकाउंट है, 1 मिलियन लाइक है, सब लाइक शानवाल की वीडियो को है, शानवाल की डेथ हुई है सब वीडियो उसने लगाई है, सारे लाइक इसके शानवाल की वीडियोस के हैं, और ये बातें कर रहा है कि फेम मैं कमा रहा हूँ। 1 महीने का ताल्लुक ही नहीं है इसका शानवाल के साथ, 1 महीने का ज़बरदस्ती शानवाल को बुलाते थे तो ये वीडियो वगैरह बनाते थे। कसम से बहुत तबीयत ख़राब थी मेरी, मैं इतने दिन लाहौर रह गया हूँ, 10 दिन रह गया हूँ लाहौर, मैंने शानवाल के भाई के साथ एक व्लॉग बना के डाला है, अब वहाँ बार बार पूछ रही थी, ऐसी बात होती मैं 10 दिन व्लॉग बनाता डालता, मैंने व्लॉग डाले ही नहीं अगर मुझे फेम की होती तो, ये पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। उसके अलावा ये हंटर हसन, सुनो जी ये अपनी सफाइयां दे रहा है, कह रहा है तुम फेम हासिल कर, फुल तबीयत ख़राब है इस टाइम मेरी, मेरी टांग फुल मतलब के सूजी हुई है, टांग पे फोड़ा निकला है मुझे, तो टांग मेरी पूरी सूजी हुई है, अभी मैं सोया हुआ था, मुझे बार बार वीडियो मैसेज आई जा रहे हैं कि ये बोल रहे हैं बातें कर रहे हैं, तो शेरू भाई ने फिर वीडियो बना खुद मुझे भेजी है, शेरू भाई तो झूठ नहीं बोलेंगे, ये शानवाल के भाई भी झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो शानवाल के भाई वालों ने भी वीडियो सुनी है इनकी, तो उम्मीद है वो भी जवाब देंगे। तो मेरा कहने का मकसद ये है, अब ये बंदे खुद को बचाने के लिए या खुद को, हमने ना सच बोला शानवाज की डेथ हुई, कसम खुदा की शानवाज का मोबाइल इसके पास चार्ज लगा के गया हंटर हसन के पास कि मैं वापसी लेता हूँ आगे, उसे क्या पता मैंने मर जाना है, ये मोबाइल नहीं दे रहा था, मोबाइल नहीं मान रहा था, मेरे पास है नहीं है, इन पर प्रेशर डाला, पुलिस जब गई फिर इसने मोबाइल दिया, शानवाज का बैग जब भी पिंडी से आया था, बैग था, शूज़ थे, कपड़े पैंटे वगैरह थी, वो गायब है पता नहीं कहाँ पर है, साफ बात है इसके पास आया था, इसके पास ही होंगे, नहीं दिए अभी तक नहीं दिए, तो हम नहीं चाहते एक एक बात गिनवाएं, सारी दुनिया जानती है किस कौन क्या कर रहा था, कौन किसको इस्तेमाल कर रहा था, ठीक है भाई। तो बाकी वीडियो व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि गलतफहमी हो जाती है भाइयों को, तो सोचा मैंने सबको बता दूँ ये सीन पार्ट चल रहा है, शेरू भाई ने सारी बात शेरू भाई ने बता दिया सबको, इसकी आई डी पर जाओ, इसको रिपोर्टें मारो, इसको पता लगे कि कैसे किसी के खिलाफ बात की जाती है, तो बल्कि टिकटॉक आई डी इसकी उड़ गई है, बैन हो गई है, आप जैसे भाइयों ने कल ही कल इसकी आई डी उड़ा दी रिपोर्टें मार मार के, तो बाकी इंशाल्लाह ऐसे ही जलील होता रहेगा, तो साफ बंदा है जो बंदा किसी को यूज़ करता है तो खुदा उसको जलील ही करता है। दुआओं में याद रखना, मेरे हक में भी दुआ करनी है, अल्लाह सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए, सेहत याब करे, शानवाल के हक में लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, दुआओं में याद रखना, हंसते मुस्कुराते रहो, अल्लाह हाफिज़।